हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री शेयर के बारे में, क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फुल डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अनलिस्ट वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलता रहेगा देखने के लिए। ये शेयर 17 रुपए में आपको मिल रहा है, क्या इसको बाय करना चाहिए। हम लोग देखेंगे कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न। तो कंपनी अभी 5% की अच्छा रिटर्न दे रहा है, यानी पॉजिटिव रिटर्न। 2020 में मार्केट में लिस्टिंग हुआ था 16 रुपए करके, और अभी वही रेंज में मिल रहा है। 53 रुपीज तक हाई लगाया था, क्या ऐसा फिर से 53 तक जा पाएगा। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, स्ट्रांग रहेगा बाय करेंगे, नहीं तो दोस्तों अवॉइड करेंगे। दोस्तों आप देखोगे कंपनी का यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बता रहा है। ईयर वाइज डाटा रेवेन्यू में डाउन है, नेटवर्थ में हम लोग को डाउन नजर आ रहा है, प्रॉफिट में हम लोग को डाउन नजर आ रहा है, जो कि नेगेटिव बात है। अगर आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, प्रमोटर 75%, रिटेल इन्वेस्टर 22%, फॉरन इन्वेस्टर 2.11, डोमेस्टिक वाले 0.32, म्यूचुअल फंड 0.02% रखे है कंपनी का। अगर हम लोग फुल डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे तो BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है। 8,347 करोड़ का मार्केट कैप है, पी नेगेटिव है, बुक वैल्यू नेगेटिव है, डिविडेंड आप देखोगे नहीं देता है, हाई लो दे सकते हो, आरओसी रो नेगेटिव, फेस वैल्यू 1 का है, कर्जा 23,000 करोड़ का है, रिजर्व नहीं रखा है, एसेट थोड़ा रखा है, वॉल्यूम ठीक ठाक, फ्री कैश रखा है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, नेटो नेगेटिव, डिविडेंड नहीं देता है, डेट टू इक्विटी 0 है, जो कि नेगेटिव बात है। ये टेक्सटाइल में काम करता है, आलोक इंडस्ट्री नंबर 1 पर एक कंपनी आता है। आप देखोगे कंपनी का सेल ग्रोथ क्या बता रहा है, सेल ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, सीजर पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव। एसेट देखोगे, एसेट में दोस्तों हम लोग को डाउन नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो आगे ज्यादा माइनस था, अभी कम माइनस है। तो सारा पैरामीटर देखने के बाद अभी तक कंपनी स्टेबल नहीं हुआ है, ज्यादा पैसा लगाओगे फंस जाओगे। मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, 50 रुपए का हमारा टारगेट रहेगा स्टॉक में। तो होप करता हूं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।